हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू SYBMS BAF BBI BFM और अदर कोर्सेज से है, स्पेशलाइजेशन कोर्स। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज पेपर पैटर्न क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं बात करूंगा। सो मेक श्योर वीडियो पूरा देखना, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल में, एंड स्किप मत करना बिकॉज जो सिलेबस है बहुत लेंदी है, तो हम कौन से चैप्टर्स ऑप्शन में डाल सकते हैं आई विल टेल यू। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल सी द सिलेबस। एज यू कैन सी हियर, सिलेबस में आपको चार यूनिट दिखेंगे। चार यूनिट में से आपको पहला स्टेप क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट टू यूनिट्स। आपको चाहे फर्स्ट एंड सेकंड आपने सपोज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से जैसे लाइक फर्स्ट यूनिट में 8 चैप्टर्स है, तो उसमें से आपको चार चैप्टर कवर करने हैं। स्टार्टिंग के चार करो या नीचे से चार करो, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट किया लास्ट वाला एक कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है, जो क्वेश्चंस पूछता है वो ABCD ऐसा करके पूछता है। तो आपने क्या करना, सेकंड फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के चार पढ़ो या तो नीचे से चार पढ़ो, उसके हिसाब से आपको स्टडी करना है। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यू हैव टू सी द पेपर पैटर्न। एज यू कैन सी हियर पेपर पैटर्न। सो पेपर पैटर्न जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन। फर्स्ट जो रहता है ऑब्जेक्टिव, बाकी जो है शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग आंसर्स रहते हैं। एंड एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन पेपर, अभी जो मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 2 में, जो लाइक आपको स्टार्टिंग के चार चैप्टर पढ़ने हैं तो लास्ट के चार चैप्टर पढ़ने हैं, वो मैं क्यों बता रहा था, हर यूनिट में जैसे 6 सेकंड यूनिट में आपको दिया रहेगा 5 चैप्टर से 6 चैप्टर्स दिया है, तो उसमें से क्या करना है, तो स्टार्टिंग का 3 करो या तो लास्ट का 3 करो। क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहां पे अगर आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो तो या तो ए बी फॉर्म में दिया रहता है, चार क्वेश्चन होता है, चार में से 2 अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो क्या रहता है, ए बी दिया रहता है, लास्ट में सी डी दिया रहता है, तो या तो ए बी अटेम्प्ट करो या तो सी डी अटेम्प्ट करो। तो अगर आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अटेम्प्ट किए हो तो आप ए बी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर नीचे से अटेम्प्ट किए रहेंगे तो आप सी डी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस को कैसे हम कौन से चैप्टर्स ऑप्शन में डाल सकते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं, यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम श्योर कि 60% क्वेश्चन जो है हो सकते हैं आपके कोई भी कॉलेज के पेपर जो भी आप बनाएंगे, कोई भी टीचर्स, सो आई एम श्योर ये क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, बिकॉज ये जो है चैप्टर्स के मेन क्वेश्चंस हैं एंड मेन टॉपिक्स है, एंड आई एम श्योर ये स्टडी करने के बाद आपका 60% कवर हो जाएगा, एंड अगर आपको लिखने का थोड़ा हैबिट है तो आई एम श्योर आपका 100% भी 75 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें से आप इजिली 70 या 65 इजिली स्कोर कर सकते हैं। सो अभी BBI सबके लिए तो सेम है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो मेक श्योर राइट योर कमेंट्स, आप कमेंट ऐड कर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगता है, आप फीडबैक भी अपना कमेंट में ऐड कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे अगर कुछ अपडेट्स रहते हैं तो आई विल अपडेट ऑन माई स्टोरी। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया मैंने, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या तो इंपॉर्टेंस, ये दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, इसको स्टार मार्क करके रखो बिकॉज ये इजी भी है। सो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से आपके 7 मार्क क्वेश्चन कवर हो गए। अब उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर्स दिए हैं, 3 सेक्टर्स भी है क्लोज इकोनॉमिक्स, तो आपको पूरा करना है, तो इसको भी अगर आप कर लेते हो तो, एंड एक क्वेश्चन और इसके साथ में करना पड़ेगा, ये फेसेस, तो आपके इजीली क्या होएंगे 50 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्कस द फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ओके, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल भी पूछ सकता है। सो यहाँ से आपको ये 3 क्वेश्चन करना है, अगर ये 3 क्वेश्चन आप करते हो अच्छे से तो आई एम श्योर गारंटी बोलता हूँ कि भाई आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर 2 रहते हैं वहाँ पे आपके 15 मार्क क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में, एज यू कैन सी हियर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग मल्टीप्लायर, तो ये भी रहता ऑप्शंस में आता है, तो आप भी ये भी स्टडी कर सकते हो, ये थ्योरी बेस है। उसके बाद जो है 5th क्वेश्चन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये इन्फ्लेशन के ऊपर है, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है, अगर ये नहीं आएगा तो इसका इफेक्ट आएगा ऑफ इन्फ्लेशन जैसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ये पक्का पूछेगा, अगर ये नहीं आया तो कौन सा इफेक्ट का रहेगा। फिर उसके बाद डिस्कस ऑफ केनिशियन थ्योरी, डिमांड फॉर मनी, ये पक्का केनिशियन थ्योरी का डिमांड फॉर मनी आएगा, जहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव करके इसका 3 है टॉपिक। फिर 7 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट, एंड इसके साथ में क्या होता है, एक फिजिकल पॉलिसी भी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी अगर करोगे तो भाई पक्का या तो शॉर्ट नोट में कवर हो, मैंने यहाँ पे लॉन्ग आंसर भी लिखा, हो सकता है लॉन्ग आंसर में पूछे, अगर लॉन्ग आंसर में नहीं पूछेगा तो समझ जाना भाई शॉर्ट नोट में पक्का ही पूछेगा जो लास्ट के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मोनेट इंस्ट्रूमेंट भी आता है, राइट, एंड आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इन्फ्लेशन को, उसका भी आता है, तो अगर कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन जो आपने 12th में पढ़ा रहेगा, सेंट्रल बैंक जो करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वो सेम आंसर रिलेटेड उससे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ FRBM एक्ट, तो इसको भी थोड़ा स्टार मार्क करके रखो, हो सकता है चांसेस है इस बार भी पूछ लेवे आपके पेपर्स में। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर,
फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों में से एक शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है। फिर वेरियस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो क्योंकि बीकॉम में भी आता है इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, बट बीएमएस में भी हो सकता है इस बारे क्वेश्चन पूछे। एंड वीडियो लास्ट तक देखना बिकॉज मैं कुछ और चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा रिलेटेड योर कॉलेज। फिर उसके बाद डिफाइन द पब्लिक गुड्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स, ये भी है करेक्शन ऑफ द जो है मार्केट फेलियर उसको कैसे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड। सो मेक श्योर ये 12 क्वेश्चन करने के बाद आपको शॉर्ट नोट करना है। देखो ये 12 क्वेश्चन आपने किया तो यहाँ से आपके 2 शॉर्ट नोट कवर हो जाने चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो ये इसके ऊपर पूछ सकता है, हेजिंग के ऊपर, दैट इज वो जो रेट लास्ट वाले चैप्टर है फॉरेन डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने एफडीआई को वापस रिपीट कर दिया है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर पूछ सकता है। इफेक्टिव डिमांड जो है एक्चुअली केनिशन थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है इफेक्टिव डिमांड, जहां पे आउटपुट के बारे में बताया है कि जब भी डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है एक दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा इफेक्टिव डिमांड होता है। सो वो इफेक्टिव डिमांड को आपको करना है एंड यहां से आपके 2-3 शॉर्ट नोट कवर हो जाएंगे। तो ये 12 क्वेश्चन करने के बाद क्या करना है आपको, लास्ट के 2 साल के यूनिवर्सिटी पेपर है जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में स्टार्टिंग में दिखा दिया है। सो ये क्वेश्चन पेपर करो एंड ये क्वेश्चन आप पढ़ो एंड उसके बाद क्या करना है। देखो कॉलेज में सभी के कॉलेज में क्या होते हैं, टीचर्स जब भी पढ़ाते हैं, मैं खुद कॉलेज में जब पढ़ाता हूं तो मैं खुद क्वेश्चंस लिखा देता हूं या जो भी टॉपिक्स में पढ़ाता हूं वो टॉपिक्स जो है बच्चे लिख लेते हैं। अब क्या होता है इसमें कि अगर जो भी आपके कॉलेज में जितना टॉपिक कराया है उस टॉपिक का एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट में मैच करो, देखो पक्का आपको यहाँ पर 60-70% क्वेश्चन मैच करेंगे। अगर इसमें नहीं दिया है तो आप पढ़ लो क्योंकि वो समझिए अगर वो टीचर पढ़ा रहा है दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी योर एग्जामिनेशन। काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज में इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो भाई इंपॉर्टेंस मिलता है, प्रॉब्लम ये होता है कि हम लेक्चर्स कभी नहीं बैठते हैं तो प्रॉब्लम यही हो जाता है। तो आपको क्या करना है कॉलेज में जितने जितने टॉपिक्स जो जो क्वेश्चंस करा है बस वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो एंड आराम से आप क्लियर हो जाओगे। एंड लास्ट में भाई पेपर कैसे प्रेजेंटेशन करना है उसके ऊपर हाउ टू राइट थ्योरी पेपर एक वीडियो मैंने बनाया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा जब भी आप लिखते हो पेपर तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या करो, अच्छे से 15 मार्क्स ट्राई टू कवर, एटलीस्ट 15 आउट ऑफ 12 मार्क्स लेके आओ इजिली। एंड उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 में आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बट वो उस क्वेश्चन से स्टार्ट करो जहां पे आपको चांसेस रहे कि यू विल स्कोर मोर मार्क्स फ्रॉम दैट क्वेश्चन ओनली, तो वहां से स्टार्ट करो। उससे क्या होंगे कि आपके स्कोरिंग मार्क्स और पासिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी।